हल्का सा भी फंस जाएगा ना उसमें बात बन जाएगी। तुसे पर हमको एट द एंड काटना ही पड़ेगा ये नट, क्या करें आप हम आदमी, अब कुछ नहीं कर सकते भाई। सिया वालों ने ऐसे कर रखा है, फिर हट गया क्या? वाह वाह, ये देखो पूरा वेल इंटीग्रेटेड, अब देखने में क्या मस्त लग रहा है। लग रहा भाई? नहीं लग रहा, इसमें कार प्ले चलता है। ये देखो सबसे हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये देखो सेल्टोस लिए 13.5 लाख रुपए की बेस मॉडल, लेकिन इसके अंदर स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं आता, तो गाने भाई ऐसे रख के चलाने पड़ते हैं। अब ये मासूम से लड़के ने मेरे से बोला कि अरुण भाई इसमें एक्सेसरीज का काम तो अपना हो गया पूरा डन, पर भाई स्टीरियो का क्या करना है इसके अंदर। भाई देखो दो वो आते हैं, एक स्क्रीन ये आती है, एक स्क्रीन ये आती है। अब अगर ये पुरानी वाली होती तो हम इसमें टॉप मॉडल का स्टीरियो डलवा सकते थे, लेकिन यार इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। आप देखो इसकी स्क्रीन ना थोड़ी सी ये यहाँ से बैठ रखी है, वहां से उठ रखी है। आजकल स्टाइल चल गया, पता नहीं क्या, ऐसे थोड़ी सी यहाँ से उठा देते हैं जिससे ड्राइवर ओरिएंटेड थोड़ी सी स्क्रीन रहे। तो भाई अब चल के इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सिस्टम बैठ सकता है अपना। ये इन्होंने ये बढ़िया चीज है कि पियानो ब्लैक फिनिश में ही दे रखा है, कि मैटर होता तो भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे वाहियात लगता है, जैसे मारुति वगैरह देते हैं ना। तो भाई अब इसके अंदर भाई ने, हमारी तो रिक्वायरमेंट यही है कि हम इसके अंदर वो वाला लगवाएं टॉप मॉडल का स्टीरियो मिल जाए तो। तो भाई आज इसकी कसर पूरे करने के लिए अब निक्कू भाई के पास हम आ चुके हैं, यही हमारे को सेटिस्फाई कर सकते इस चीज में। तो निक्कू भाई सबसे पहले तो ये बताओ, हमको OEM माल चाहिए रहता है हमेशा से? बिल्कुल, जब से आपसे मिला हूँ तब से आपको कोई भी गाड़ी हो ओरिजिनल सामान, ओरिजिनल सामान। लास्ट में हम लोग खूब घूमे थे इंडिवर का लाए के लिए, ओरिजिनल टायर मिल जाए नहीं मिला, तो लास्ट में चैनल लगवाना पड़ा, लेकिन ओरिजिनल पे आपका ट्रस्ट है, ओरिजिनल पे। तो भाई अब मैं मार्केट में, मुझे घूमना वूमना है नहीं, आप पे पूरा ट्रस्ट है, इसका अरेंज करो भाई, इसमें क्या लगाओगे? बजट कम था 1360 की, इसीलिए इसको लिए हमने कि निक्कू भाई बेस्ट करके दे देंगे कुछ। तो अब बताओ, इसमें हम बताते, पहले हम स्टूडियो इसमें लगाते थे तो हम काट के लगाते, शायद आपके पिछले वाले वीडियो में भी होगा, जो उड़ा उड़ा होता था। अब इसका कसर है कि आपको मैं जो स्टूडियो एंड्रॉइड लगा दूंगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी का स्टूडियो है कि नहीं है। मतलब आप एंड्रॉइड लगाने वाले हो क्या? एंड्रॉइड लगाने वाला हूँ भाई, तो थोड़ा देख लो, लिटिल लिटिल सब वो मिल जाए। मात्र 3 महीने का टाइम और दो, क्योंकि देखो अभी गाड़ी नहीं आई है, सब कुछ मैं लगा हुआ हूँ कि जैसे आप इसका स्टूडियो आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्टूडियो आ चुका है, लगा के भी दिखाऊंगा। पुराने वाली सेल्टोस थी, कम से कम 1 साल बाद आया था। हाँ। इसको तो निकले हुए 3-4 महीने हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत कस्टमर का कसर भी है कि भाई फ्रेम नहीं आएगा, गाड़ी ले लेके जब तक फ्रेम नहीं आएगा मैं स्टूडियो नहीं लगवाने आऊंगा। हाँ, हाँ। तो आज मैं लगा के दिखाऊंगा कि इसका प्रॉपर फ्रेम आ चुका है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कंपनी वाला है। कंपनी वाला है, सिर्फ आपको कोई भी एंड्रॉइड लगाते हो। हाँ। लेकिन इसका जो हम फ्रेम लगाते हैं जैसे इस लेवल में है ना, टॉप मॉडल में इसी लेवल पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम लेवल पे स्टूडियो आने वाला है इसका। अच्छा, कोई भी बाहर गैप नहीं, कोई भी कुछ नहीं आएगा। फ्रेम मात्र 2 दिन पहले हमारे पास आया है। दिखाओगे एक बार भाई? फिर हम एंड्रॉइड लगाने वाले हैं। हाँ। तो फिर एंड्रॉइड में कौन से पे जाएं यार? एंड्रॉइड में दुनिया भर के ब्रांड है यार। देखो एक तो इसमें एंड्रॉइड में तो अपने पास दुनिया भर की है, सही बात है। इसमें एक्सल फिट वाला स्टूडियो लगता है, जो कंपनी से आता है, ज्यादा चौड़ा नहीं होता, ज्यादा लंबा नहीं होगा। हम सोचेंगे कि किसी भी 10 इंची का स्टूडियो लगा देंगे तो नहीं लगेगा। इसमें 10.5 इंची के एक्सल फिट स्टूडियो लगेगा। ठीक है, स्टूडियो का नाम ही एक्सल फिट वाला, मतलब इसका स्टूडियो अलग रहेगा, ऐसे रैंडम कोई यूनिवर्सल नहीं, नहीं कोई यूनिवर्सल, जो आप 5,000 का एंड्रॉइड बिक रहा है, 4,000 का बिक रहा है, 7,000 का बिक रहा है, जो लग जाए तो वो नहीं लगेगा। हाँ, एक्सल फिट में अगर अदरवाइज, जैसे हम आपकी गाड़ी में आज हाइपरसोनिक का स्टूडियो लगाएंगे। अच्छा जी, ये रहा रखा है। अच्छा, एक्सल फिट वाला 10.33 का है। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडियो है ना, सिर्फ स्लिम में आता है, जैसे टॉप मॉडल जैसे डिस्प्ले देख रहे हो सेम ऐसे आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब डेडिकेटेडली सेल्टोस के लिए बना है, सेल्टोस के लिए बना हुआ है, और किसी में नहीं चलेगा ये? नहीं, और चलेगा जिसका एक्सल फिट वाला फ्रेम आएगा ना। हाँ, जैसे आपको, आप इस गाड़ी का एक्सल फिट वाला फ्रेम आ गया, अब क्रेटा का एक्सल फिट वाला, किसी भी गाड़ी में, इसमें ज्यादा से 4-5 गाड़ी का आता है एक्सल फ्रेम, फ्रेम है तो किसी गाड़ी में लग जाएगा, और नहीं तो इसको आपको फ्रेम नहीं है तो जो हम सेल्टोस में काट के दिखाए ना, जो हम काट के जुगाड़ करके लगाते तो ऐसे लगेगा। अच्छा, फ्रेम दिखाओ एक बार। इस फ्रेम की बात हो रही थी इतने दिनों से, ये फ्रेम नहीं आके दे रहा था, ये पूरा अंदर चला जाएगा। हाँ, स्टूडियो इसमें आ जाएगा, और ये जो है ये पार्ट निकल जाएगा, ये पार्ट निकल जाएगा आपका, और ये वाला फ्रेम दिखा करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा सिस्टम है। हाँ। तो ये आफ्टर मार्केट बनता होगा भाई? आफ्टर मार्केट बनता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई नहीं, अभी आपको, अभी तो ऐसा है ना, लगा के दिखाऊंगा तब पता चलेगा किस लुक में, किस कैसा, आपको खुद एहसास नहीं होगी बाहर से मैंने स्टूडियो लगाया हूँ।
अच्छा जी। हाँ, पहले वाले सेल्टोस में था डबल नोब वाला, सिंगल नोब वाला बटन आता था ना, इसमें तो आप कंपनी से भी लोगे तो टॉप मॉडल में बिल्कुल ऐसे प्लेन आता है। ठीक है, तो आपको लुक यही देगा कि टॉप मॉडल वाला स्टूडियो लगा, पता नहीं चल पाएगा, नहीं पता चलेगा। अच्छा जी, फिर इसके इसमें फीचर्स बताओ। अब चलो, अब इसमें बताता हूँ हाइपरसोनिक में, ऐसे अदरवाइज और भी ब्रांड का अपने पास स्टूडियो होता है, हाइपरसोनिक जो मैं लगा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ। हाइपरसोनिक में इसमें है एक 360 सपोर्टेड वाला। अच्छा जी, इसमें 360 कल को आपको 3 मीटर फोल्डिंग करवाते हो 360 आपको लगाना है इसमें सपोर्ट कर जाएगा। ओके जी, हमें स्टूडियो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस है। वायरलेस चलेगा। बाय बाय, यही कसर पूरी होनी चाहिए। कारप्ले चाहिए मेन तो। बिल्कुल वायरलेस चलेगा। अच्छा जी, ठीक है। इसमें सेम मॉडल आता है जिसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस नहीं चाहिए, सॉरी 360 सपोर्टेड नहीं चाहिए, तो थोड़ा सस्ता इसमें एक सेम मॉडल आपको सस्ता वाला मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें मैंने ये लगाया कि कल को आपको बेस टूर पूरा टॉप बनानी है एक एक करके, तो 360 भी लगा लेंगे ना, इसलिए मैं ये मॉडल लगा रहा हूँ इसमें। अच्छा, और मतलब ये परफेक्ट बेस्ट है। बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा जी, चलो फिर करते हैं भाई काम स्टार्ट, फिर तो लग के ही दिखाते हैं अब क्या है, क्या कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, देखो भाई कैसी लुक आएगी भाई से, देखते हैं। पहली बार जा रहे हैं भैया चाइनीज एंड्रॉइड पे, अब क्या करें यार। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए, फिर चेंज कर लेंगे, ओरिजिनल आएगा, ओरिजिनल लगा के हटा लेंगे। सही बात है, और इतना ताम झाम क्या रहता है। कपलर होता है जो हम आपका जो किया का जो कपलर है ना, कोई वायरिंग कटिंग नहीं होगी, कपलर इसमें आ गया, अपना सॉकेट ये आ गया, ये स्टूडियो में लग जाएगा, ये कैमरे के आरसी के लिए आ जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ इसके साथ बंडल आता है। हाँ, ये अलग से लेना, ये अलग से आता है, लेकिन हम लगा के देंगे ना कपलर टू कपलर। और कैमरा भी कौन सा लगा रहे हैं हम? कैमरा HD कैमरा है, हाइपरसोनिक का, जिस कंपनी का स्टूडियो उसी कंपनी का कैमरा है। अच्छा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बिल्कुल। चलो अब लाइव देखो भाई आप मेरे साथ कि स्टूडियो कैसे लगेगा इसके अंदर। पहले ग्लव बॉक्स वाला भीतर जा चुका है, मतलब वो भी हटेगा। डैशबोर्ड खुलता है भाई पूरा इसमें। अच्छा जी, खोलो देखो भाई कैसे होता है एक एक करके आप काम। पहले वाला तो भाई देखो सिंपल सोवर हो जाया करता था, फ्रेम हटाया एंड डेड सेट। इसमें ताम झाम देखो ओए धक धक तो है ना भाई जिसकी गाड़ी रहे ना उससे पूछ के देखो। ऐसा नई गाड़ी में बस वो रहा है टॉप मॉडल में, बस ये चीज़ बच जाती है कि आपको ऐसे बाहर से ऐसे नहीं करवाना पड़ता जैसे भाई साहब लगे पड़े हैं ना दोनों, जैसे कोई कुछ खोल रहा है कोई नीचे वाला खोल रहा है। अरे भाइयों में पूरा हमको यकीन है ये एकदम परफेक्ट काम करके देंगे हमको। ये देखो भाई ये गई पीछे पूरा खुल के बाहर। और भाई इसका तो इसमें वाली वेरिएंट में ना इस वाले फेसलिफ्ट में मीटर भी खुलता है, इवन जो ये वाला मीटर है ये भी खुलेगा यार, काम जाम बहुत है। यार निको भाई ये बताओ ढूंढते कैसे होगी कहाँ से क्या क्या खोलना है? सब चेक करना पड़ता है, जैसे पहली गाड़ी आता है ना उसमें हमें पहला बार थोड़ा टाइम लगता है खोलने में, जैसे अभी नहीं कि अभी तो जो बोलूंगा जो लड़का बोलूंगा छोटा सा लड़का वो भी खोल खाल देगा, लेकिन फर्स्ट बार जो गाड़ी आता है तो खड़ा होकर खुद देखना पड़ता है क्या नट बोल्ट है क्या है क्या पीएच है कौन सा लॉक है तब जाके खुलता है, तो पहली बार ट्राई करना पड़ता है। ओके ओके, अब तो प्रो रखे हैं ना ये, अब तो ढंग से भाई एक एक नट बोल्ट का पता है। तो भाई स्टीरियो तो अपना इंस्टॉल हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं का सरसों खेत में पहुंच गया भाई, मैं देखो इसको लेने आया था यहाँ से, देखो 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 ये क्या है, ये भाई इन्वॉल्वर सेंसर्स का सिट्रस बिल्कुल मैच करता है सरसों से। सरसों से मैच करने का मतलब क्या है, पीला पीला हो जाता है भाई इसके अंदर। यार ये बेस्ट गाड़ी का परफ्यूम है, मतलब जो स्टीरियो अंदर लगा रहा है ना अपनी गाड़ी में भाई, यार मैं 100 गाड़ियों में रोज स्टीरियो लगाता हूँ पर मैंने ऐसी फ्रेग्रेंस तो कहीं नहीं देखी, क्योंकि भाई हर कोई इन्वॉल्वर सेंसर्स नहीं रखता ना अपनी गाड़ी में, यही तो मिस हो रहा है भाई, यही तो कृपा रुक रही है। ये आपने इस तरीके से ऐसे अनलॉक करी है, इसके अंदर आपको एक थैंक यू कार्ड वगैरह मिलता है, फिर आप इसको ऐसे अनरैप करो मेरी तरह दोनों से कर लो अगर हाथ कमजोर है तो, मेरे तो नहीं है वैसे पर मैं तो बता रहा हूँ। और भाई इसकी फ्रेग्रेंस वो लेमनी फ्लेवर होता है ना नींबू का सा, क्या खुशबू है यार, तो मैं अपनी गाड़ी में जल्दी से इसको रख देता हूँ, भाई गाड़ी की और महक जाए, कप होल्डर में आ जाता है चुन्ना सा है यार, तो अपनी गाड़ी में आप भी जरूर ऑर्डर कर लो भाई involvertesi.com पे। कुछ दिक्कत हो गई भाई बताओ एक बार निको भाई क्या हो गया इस गाड़ी के अंदर? ऐसा कंपनी से मिस्टेक हो जाता है। हाँ। जैसे देखो अभी इस साइड ये पेच आया, इसमें क्या पेचकस जाएगा तो खुल गया। हाँ। अभी इस साइड कंपनी ने अभी खोला भी नहीं, देखो इसमें पूरा सिल्वर से पैक कर रखा है, इसमें पेचकस जाने के कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला देख रहे हो। हाँ। इसको अब इसको यहाँ से प्लास्टिक काटना पड़ेगा, हर गाड़ी में नहीं होता है, अभी तक कम से कम 30-35 सेल्टोस बना दिया, आप ही की गाड़ी में आया है ऐसे पेच, पहली गाड़ी है कि इसमें पेचकस ही ना घुसे पेच ही ना खुले। हाँ तो जुगाड़ क्या,
जुगाड़ है कि यहाँ जो पेचकस है ना उसको यहाँ से प्लास्टिक काट देंगे हाँ। फिर निकल जाए, क्योंकि ये निकालने के बाद ना हाँ। जब तक ये मीटर बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पर दो पेच है हाँ। तो खुलेगा नहीं, फिर हम सोचेंगे कि इसको जुगाड़ करके निकालेंगे तो टूट जाएगा ये पूरा हाँ। मीटर ही हाँ। इसके लिए इसको खोलना ही पड़ेगा और यहाँ पे दो पेच होता है तभी जाके पूरा फ्रेम खुलेगा भाई। ये ऐसा ही है यार, देखो ये भी गाड़ी है, किस्मत किस्मत की बात होती है बिल्कुल। कंपनी से मिस्टेक हो जाता है, जैसे अभी है ना हाँ। इसमें सिल्वर पैक कर रखा है उसने। देखो माइक वाइक तो इसके अंदर कुछ आता नहीं है, तब तक अब जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कुछ कि वैसे कुछ हो जाए यार, पिघला पिघला के उसको सिल्वर से को तो बढ़िया। तब तक माइक के तार वार भी फैला दिए भाई, जीपीएस वीपीएस भी यहाँ पे फिट कर दिया है। ये सब चाहिए यार स्टूडियो को चलाने के लिए ना। ये एंटीना वेंटीना हो गया। एफएम का है किसका ये? अच्छा ये सिम का है भाई, और ये माइक वाइक लग जाएगा फिर बच जाएगा पूरा सिस्टम, कॉल वॉल भी हो जाया करेगी फिर कॉल पे बात। हालांकि ये देखो ये तो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं शार्क फिन एंटीना, बढ़िया चीज़ है भाई। ये कनेक्शन तो दे रहे हैं जो वहाँ पूरा पर अपना कनेक्ट हो जाएगा, स्टीरियो देने में इनको दिक्कत थी। और ये भी यहाँ पे चिपक गया, सिम विम का सिस्टम भी, आप चाहो तो सिम लगा के यूट्यूब भी अपना चला सकते हो स्टीरियो के साथ। और इसका माइक वाइक ऐसे मत समझना, वो ऐसे दिखेगा, ये अंदर डल जाता है इसके अंदर संगला शोल्डर में, इसमें जगह दे रखी है फिट करने की। देखो एज इट इज़ यहाँ पे, अरे प्रॉपर फिट हो गया तो। ये देखो ये यहाँ पे सेट, मतलब भाई आज के दौर में ना करोल बाग आ जाओ बेस टू टॉप है, कब कम में बन जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। वाइट भी तो डलेंगे भी। अच्छा ऊपर डलती हो? हाँ वो तो वैसे ही है जाए। मीन वाइल भाई यहाँ पे मेहनत कर रहा है भाई, ये पेसा हो जाए काबू में आ जाए, हल्का सा भी फंस जाएगा ना उसमें बात बन जाएगी। मीन वाइल भाई स्टीरियो का काम चल रहा है ना, ये कैमरा की केबल ये है, तब तक केबल इस तरीके से आ जाता है कैमरा पीछे और फिर कैमरा भी ऑन हो जाएगा। ये फिर पूरे तार को इस तरीके से ऐसे आगे की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखो कैसे हिलता है इसकी डिस्प्ले, देखो अलग अलग होती है भाई, कोई भाई अगर वो जान रहा हो, ये अलग है, वो एक पेज की वजह से अटक रखा है बस, ये अलग होता है ये अलग होता है, लेकिन किया वालों ने ऐसे कर रखा है लगता सेम ही है बिल्कुल ही। भाई सॉरी वेरी बैड टू से, पर हमको एट द एंड काटना ही पड़ेगा ये नट, क्या करें आप हम आदमी, अब कुछ नहीं कर सकते भाई, किया वालों ने ऐसे कर रखा है फिट। हट गया क्या? वाह वाह अबे तो अदर सी दिख गई हो भाई, मीटर तो कभी ऐसे ही है। वाह तेरी गाड़ी का मीटर देख ये मीटर ऐसा है ये स्टीरियो भाई पीछे से ऐसा कुछ दिखता है, 10.332+32 ये फ्रेम होता है इस तरीके का, ये इस तरीके से फ्रेम में सेट हो जाता है और इसके बाद ये उसमें लग जाएगा, तार तूल लग जाएंगे इसमें पीछे कपलर। भाई पीकेटी मतलब पुष्कर कुमार तिवारी, अच्छा ओके भाई बिहार से हैं भाई। ये देखो इस तरीके से गुच्छा पूरा बन के आ जाता है। बाबूजी इसमें किस किस चीज़ के तार हैं? इसमें माइक का तार, जीपीएस का, सिम कार्ड का, अच्छा पीछे कैमरा का। ये हो रहा है भाई यहाँ पे हॉल, क्योंकि ओईएम वाली फिटिंग चाहिए ना कैमरे में, इस चक्कर में ये ड्रिल मशीन से इस तरीके से होता है, यहीं कहीं लुक आ जाएगी। वायरिंग देखो कितनी डलती है भाई स्टीरियो के लिए। ये क्या वायर कर रहे हो यहाँ नीचे भाई स्टेपनी के पास? ये रिवर्स का कनेक्शन दे रहा हूँ, रिवर्स कैमरे का कनेक्शन रिवर्स लाइट से होता है भाई। ये देखो ये अपना चालू हो गया है स्टीरियो, यहाँ पे लग गया है, अभी एक मिनट सेट होना रह रहा है। इसके अंदर मेन चीज देखो भाई, आपको ये चीज चाहिए थी हमको मेन, जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेस, वो आ गई है भाई इसके अंदर। चलो एक बार फिट हो जाएगा ना उसके बाद लुक दिखाऊंगा, जम्मा जाएगा इसकी क्लियरिटी विलियरिटी भी अच्छी है भाई, एकदम एमोलेड स्क्रीन जैसे। देखो एकदम ऐसा फ्लुएंट तो नहीं मिलेगा जैसा कंपनी का मिलता है, बट काम कर देगा भाई यार, बाहर से डला है वो चीज़ में फर्क रहता है निकू भाई, क्यों यहाँ रहता है कंपनी का ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल कहाँ कॉस्टली भी तो होता है। और ये भाई कैमरे क्वालिटी देखो कतई ही क्लियर भाई, जैसा आईफोन ही लगा दिया हो, और गाइडलाइंस के साथ जैसे ही स्टेयरिंग घुमा रहे हैं ना तुरंत ये भी घूमता है। तो भाई काम पूरा हो गया, रेडी अपना स्टीरियो का। अब इसमें बेस केवल कमी है, भी स्पीकर तो हम नेक्स्ट वीडियो में डलवाएंगे। भाई साहब कैमरा और स्टीरियो क्या कॉम्बिनेशन पड़ेगा ये बताओ, कोई बेस मॉडल लेके आता है तो? देखो इसमें स्टीडियो है हाँ, प्लस इसका फ्रेम है हाँ, प्लस इसका कैमरा है हाँ जी, तो इसका खर्चा आपको 2800 रुपए है, 28,000 रुपए में सारा काम सेट करके दे दोगे एट द एंड। कहाँ पे आना है भाई? निकू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड, अब्दुल अजीज रोड करोल बाग न्यू। और एक बात बता दो, इसमें जो सिस्टम है ना तो नहीं कि इतना ही महंगा लगाना, इसमें सस्ता भी मॉडल आता है, जो आपकी गाड़ी में लगा उसका कॉस्ट में बता रहा हूँ। हाँ भाई सस्ता मतलब हर रेंज का है, आप यहाँ पे आके पूछ के सब काम करवा के जा सकते हैं। मैं भी किस्मत वाली किस्मत तब वो मिला। तो भाई ये देखो अब अपना स्टीरियो आप दिन में सूरज देवता आ गए हैं, ये देखो पूरा वेल इंटीग्रेटेड, आप देखने में क्या मस्त लग रहा है, लग रहा है भाई नहीं लग रहा, इसमें कार प्ले चलता है। देखो सबसे मेन चीज जो हमको चाहिए थी
कार प्ले आप इस तरीके मतलब लेगी शायद, देखो लिटिल लिटिल सा ना आपको दिक्कत होगी इसमें, ये बटन से दे रखे हैं यहाँ पे लाइट जो रूम ना तो आपको दिखेगा यार अपने आप डिम कैसे ना हेरी, देख यू तो डिम हैगी यू ना हेरी, पता ना क्या दिक्कत है। ये देखो इसमें यहाँ पे बटन से आते हैं भाई, ये भाई ये इंटरफेस इतना नकली लगता है ना मुझे देखने में, वो पर्सनली वो रहता है ना वो वाली चीज़ में इंटीग्र अपने इसके अंदर गाने भी भर के आते हैं, इसमें इंटरनल स्टोरेज भी होती है ना, मतलब एक तरीके का फ़ोन सा ही रहता है ये। देखो जैसे यहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन आपने मंदिर टाइम में चलाए होंगे ना, तो ये पूरा इस तरीके का सिस्टम रहता है इसका, सिस्टम फिस्टम इसकी क्लियरिटी विलियरिटी वैसे कंपेरेटिवली जो बाकी चाइनीज वाइनीज होते हैं ना उनसे अच्छी है। तो इसमें डीएसपी सेटिंग मतलब अगर आपको वो बेस वेस चलाना ना भाई, देखो कितना तामझाम रहता है, डीटीएस डॉल्बी मतलब अजीब सा ही है यार। देखो अपने आप ड्राइंग सी बना लो आप गानों वानों का, ये देखो ट्रेबल व्रेबल कितना चाहिए। अभी तो खैर इसमें स्पीकर है नहीं, तो मैं आपको स्पीकर तो क्या ही दिखाऊं सुनाऊं, पर अभी तो स्टीरियो ये देखो अलग अलग तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको कार प्ले चलाना तो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें ये एक एप्लीकेशन से जेड लिंक 5, इसको जैसे क्लिक करते हैं ना इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करो वायरलेस है, देखो वायर हमने यहाँ पे लगाई नहीं रखी है तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता है, तो ये वाली फील अच्छी है। और बाकी फिट एंड फ्रेश प्रॉपर पूरी एकदम कुल मिला के ओके आ जाती है, ऐसा लग रहा है कंपनी से आया हो। अगर ये वाली स्क्रीन खुली रहेगी इस तरीके से आप देखो भाई, इस तरीके से एकदम वही वाली फील आ रही है। वैसे अगर ये खुला रहेगा ना तो छपरी चाइनीज फील आती है, बट वैसे ओके है, मतलब इसके अंदर ही वीडियो डली रहती है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। देखो गाने गुने से देखो क्या क्या आलिया भट्ट रणबीर कपूर अलग अलग गाने भरे, मतलब पता नहीं ये पहले से भरे हुए आते हैं क्या रोग है। और एक चीज और देखो भाई इसके अंदर कैमरे की क्वालिटी, अब मैं आपको दिन में दिखा देता हूँ। ये मैंने लगाया रिवर्स गियर, थोड़ा सा टाइम लेता है यार ये आने में, ये देखो रिवर्स गियर लगाया, ये देखो क्लियरिटी मस्त है यार, कुछ भी कहो। जैसे मैं स्टेयरिंग काटूंगा देखो, देख रहे हो थोड़ा सा ये पता नहीं इसमें फ्लक्चुएशन सी होती हैं, देखो ऐसे बस, बाकी तो सब ओके ही है। मैप वेब भी इसके अंदर, हमें तो मेन ये कोई वाई मतलब यूट्यूब हमें तो चलाने का शौक है नहीं कि भाई कनेक्ट करके यूट्यूब चलाएं हम, वो भी चल सकता है, पर हमको कार प्ले चाहिए मेन, कार प्ले आ गया है वो चीज़ बेस्ट है बस, और कुछ नहीं चाहिए और सब मुँह माया है। चलो भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 24-25 हज़ार रुपये इसकी कीमत है प्रेम के साथ मेरे ख्याल से तो, और आप निक्कू भाई से कंफर्म कर सकते हैं उनकी दुकान पे या फोन नंबर पूछ के। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।